हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं और तैयारी कैसी चल रही है? निखिल प्रताप सिंह, हेलो निखिल। आदित्य, गुड इवनिंग। कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? चिरंजीवी प्रणाम, चिरंजीव। आदित्य नमस्ते। और निखिल नहीं, शादी में नहीं है एक्चुअली, उधर कहीं सेलिब्रेशन हो रहा है, उसको वही साउंड आ रहा है। शादी में तैयारी कैसी चल रही है आदित्य, बताओ। प्रज्ञा ठीक है? प्रज्ञा 15 दिन बचे हैं, इसी पे हम लोग बात करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसे आज मैंने शेयर कर ही दिया है, फिर भी आप लोगों की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो वो बताइए। अच्छी चल रही है, वेरी गुड। शुभ संध्या शेखर सिंह राजपूत, नमस्कार। मेरा बुक एकदम आराम से तैयारी कीजिए, रिलैक्स होके कीजिए और कूल होके कीजिए। एकदम से पैनिक नहीं होना है, प्रेशर नहीं लेना है। 15 दिन, 15 ही दिन बचे हैं, नहीं 15 दिन बचे हैं, ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए। नहीं, पैनिक बिल्कुल नहीं हो, आप बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। और पैनिक हो रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि घबराहट उसी को होगी ना जो जीतने के नजदीक होगा। समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े और क्या छोड़े, एक मिनट मुझे। सेंटर चॉइस का ऑप्शन है? नहीं, सेंटर चॉइस का ऑप्शन नहीं होगा। बिल्कुल रिलैक्स होकर तैयारी कीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और क्वालिफाई करोगे, गारंटी इस बात का, रिलैक्स रहिए बस। 10 सवाल मैथ के लिए तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मैथ का जो 10 सवाल है उसमें तुक्का मारना, बी ऑप्शन ए को नहीं उठाइएगा अक्सर, बी सी में से किसी को उठा लीजिएगा, 3 से 4 सवाल सही हो जाएंगे, हो गया। बी में अक्सर 3 सवाल सही हो जाते हैं, ठीक है। एकदम से रिलैक्स रहिए, कूल रहिए, जो शेड्यूल लेके चल रहे उसी को लेके चलिए, बेहतर कर जाओगे, ठीक है। और डर रहे हो आप लोग, पैनिक हो रहा है तो होने दीजिए थोड़ा सा। नहीं, एसडीएम पोस्ट नहीं, कोई नहीं, डीएसपी पे संतोष कर लो ना इस बार। शेखर, अगली बार एसडीएम बन जाना है, क्या दिक्कत है, अपग्रेड हो जाएगा। सर मुझे ज्यादा टेंशन हो रहा है। क्यों टेंशन हो रहा है अनिकेश कुमार, क्यों टेंशन हो रहा है आपको, ये बताइए। टेस्ट अपलोड हो रहा है सारा, टेस्ट चेक करो वहां जाके, ठीक है। 65 मेंस में नहीं हुआ है, अब पढ़ने का मन नहीं, मेंस में नहीं हुआ, ना ना ना, ये कोई मतलब नहीं हुआ। करंट अफेयर्स मैं आपको कल से करवा रहा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए कल से मैं आपको करवा रहा हूँ, पूरा बिहार का करंट अफेयर्स अकॉर्डिंग टू गेस क्वेश्चन ही टाइप का करवा दूंगा। कल से 2-3 दिन के अंदर में सारा कवर हो जाएगा। मेरा 70 नंबर आ रहा है, इंजीनियर हूँ, जॉब के साथ साथ कैसे होगा सर, डर लग रहा है, क्या होगा? विजय कुमार, डरने की जरूरत नहीं, तैयारी तो सब ठीक है, लेकिन कभी कभी लगता है कुछ पढ़े ही नहीं आ सकता। बस बस बस, यही क्वेश्चन का इंतजार था, ज्योग्राफी में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए क्या कुछ बताया। एक मिनट, दो सवाल आ गया, रुक जाइए, अब रुक जाइए। सीए करंट अफेयर्स दिसंबर तक नहीं, दिसंबर तक नहीं मिला। एक तो अभी आपका कल का चला गया है पर्सनैलिटी वाला सारा, आज इकोनॉमिक्स का चला जाएगा, कल परसों तक में इंटरनेशनल जो भी है वो सारा दिसंबर तक का मिल जाएगा, इवन 10 दिसंबर तक का आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐप इनएक्टिव बता रहा है तो कॉल कर लो, जो एक्टिव इनएक्टिव होगा आपका इनएक्टिव बता रहा है तो कॉल कर लीजिए, हम उसमें चेंज कर देंगे। रुक जाओ, अभी ऐप की बात बाद में करते हैं। ऐप भी अभी भी पेपर दे रहे हैं, रुक जाओ, आप भी पेपर नहीं, हम पेपर नहीं दे रहे, अब हम आप लोग का पेपर दिलवा रहे हैं, दे नहीं रहे, बची है उम्र लेकिन नहीं दे रहा है, अभी है फाइट में, बढ़ दे रही है। मेरे टेस्ट में अच्छा नंबर आ रहा है, फिर भी टेंशन हो रहा है। रुक जाइए, अब रुक जाइए, थोड़ा सा, दो सवाल आ गया। एक तो सवाल जो अक्सर है, सब अधिकांश लोग फेस करते हैं, कि ये रियलाइज होता है कभी कभी कि सब कुछ ब्लैंक ब्लैंक जा रहा है, सब कुछ ब्लैंक ब्लैंक जा रहा है, तो उसका अब क्या करें, ठीक है। तो इस एक मिनट, रुक जाइए,
सब कुछ ब्लैंक ब्लैंक जा रहा है, अब क्या करें, कुछ याद नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति आती है, जब मैं भी कर रहा था तो आती थी, और भी लोग हैं, सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है, ये इसको अलग तरीके से नहीं देखना, नॉर्मल है। कभी भी ऐसा लगे ना कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ ब्लैंक हो रहा है, क्या करें नहीं करें, तो तुरंत प्रीवियस ईयर को उठाइए। प्रीवियस ईयर सेट नहीं उठाना, कोई किसी का टेस्ट नहीं उठाना, प्रीवियस ईयर उठाना, देखना प्रीवियस ईयर सॉल्व हो रहा है कि नहीं। प्रीवियस ईयर सॉल्व होने लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। रुक जाइए, दो सवाल है मेरे पास। प्रीवियस ईयर उठाइएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो कभी भी ऐसा लगे या दो चार लोगों को बोलो कि सवाल पूछ लो हमसे और जवाब दे दीजिए, आ जाएगा। रुक जाओ, ज्योग्राफी पे आते हैं। फिर एक सवाल ज्योग्राफी का था, ज्योग्राफी का कुछ पता नहीं चलता है क्या करें ज्योग्राफी के लिए। अब जो ज्योग्राफी के लिए आपको करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी कर लीजिए, एटलस उठाइए, 20-20 मिनट चार दिन दे दीजिए, आधा घंटा नहीं, 20-20 मिनट चार दिन दे दीजिए, टोटल 80 मिनट आपका, एक घंटा 20 मिनट जाएगा। उसको अगर मैप पे कर लिया ना, एटलस पे आपने काम कर लिया, तो आप वहां पे पेपर सॉल्व कर लेंगे। और जो लुसेंट के अंदर जो ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का डाटा है, पहाड़ पठार नदी मैदान ग्रासलैंड, इससे रिलेटेड फैक्ट्स को रेडी कर लीजिए, बाकी कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके अधिकांश सवाल सॉल्व हो जाएंगे, एटलस का अभी भी यूज कर लीजिए। प्रणाम सूरज, हाँ अब बताओ। बिल्कुल आता है, प्रीवियस ईयर से सवाल आता ही आता है, क्वेश्चन का फॉर्म अलग होता है, सवाल आएगा ही आएगा। सर स्टैटिक जीएस के लिए कुछ बता दीजिए, डायरेक्ट अब उस पर चले जाइए, आप लुसेंट टाइप की किताब पे चले जाइए, डायरेक्ट उसको पढ़िए स्टैटिक, ठीक है। लुसेंट टाइप की किताब को डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर को अभी भी सॉल्व कीजिए। घटना चक्र प्रीवियस ईयर को मारते हैं, फर्स्ट बार पता चल रहा है कि बीपीएससी के लिए एक साल की तैयारी चाहिए, नहीं बीपीएससी के लिए 4 महीने से 5 महीने की तैयारी सफिशियंट है, आप कर लोगे। करंट अफेयर्स के लिए ऐसा कीजिए, पिछले बार का अगर हम देख के चल रहे हैं तो आप 10 दिसंबर तक का रेडी कर लीजिए, सेफ रहेगा सब कुछ, ठीक है। और 10 दिसंबर का पूरा करंट अफेयर्स का कवरेज कल से आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से आप डाउनलोड भी कर लेना, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल करवा दूंगा, 3-4 दिनों में सारा करंट अफेयर्स सॉल्व करवा दूंगा। इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए कामनी से, इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी तुमको पहले तो फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है, फिजिकल तो करना ही करना है, ठीक है, उसको भी एटलीस्ट 20-20 मिनट दे दो। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी से कुछ डाटा पूछा जाता है कि कहां किसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कहां कम होता है, तो मेनली सवाल फिजिकल ज्योग्राफी से होता है। एक बार मैप को देख लीजिए, मैप को देखिएगा तो जिस तरह से 65 के अंदर प्रीलिम्स के जो सवाल थे वहां पे ज्योग्राफी ने बहुत को डैमेज किया है, तो वो डैमेज इसलिए हुआ, प्रॉब्लम इसलिए हुई थी कि उन्होंने एटलस पे काम नहीं किया था, थोड़ा सा कर लो ठीक हो जाएगा। करंट अफेयर्स अपडेटेड जुलाई से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने का पता चला जुलाई से दिसंबर, प्रीवियस ईयर का किया है ना, उसके प्रीवियस ईयर का क्या कर लो तो और पीछे चले जाओगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का नेचर है, बदल गया तो क्या करेंगे, एक साल का कवर कीजिए पूरा, एनसीईआरटी सॉरी 1 से जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। पढ़ने में मन 70 नंबर आया 65 में, क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, अभी 15 दिन है आपके पास, देखो 15 दिन में इतिहास रचा जा सकता है आपके अंदर अगर जज्बा है तो। क्या देखो कितना अच्छा क्या है स्वराज सिंह, कितना अच्छा लिखे हैं, भक्शाले आता जाता कुछ नहीं है तेरे को, ये है एक्चुअली कुछ स्टूडेंट का स्टैंडर्ड है, सोशल मीडिया है ना, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। खैर इन सब पे ध्यान मत दीजिए, डाइवर्ट करने के लिए भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है, चलिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था 15 दिन में इतिहास बदला जा सकता है, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पे आप 60 पे हो ना, आप 20-30 पे भी रहेंगे तो सोचा जा सकता है, 60 पे आपको 30-35 क्वेश्चन अपडेट करना है, 30-35 क्वेश्चन अपडेट करने का मतलब कहीं कहीं मिसिंग है, राइट, कहीं कहीं जो मिसिंग चल रहा है उसको ठीक कर लीजिए, ठीक है, उसको ठीक कर लीजिए, आ इसको बढ़ जाएगा। और करेंट अफेयर्स ज्यादा परेशान कर रहा होगा तो करेंट अफेयर्स का डाटा एक बार पढ़ तो लो, बीपीएससी का सिलेबस कुछ ऐसा थोड़ी ना, ठीक है, तो वो आराम से वहां से कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स स्टैटिक से रहेगा, इकोनॉमिक्स जो है ना, देखो इकोनॉमिक्स में थोड़े से कॉन्सेप्ट चाहिए जीडीपी जीएनपी टाइप का, अदरवाइज आपका स्टैटिक डाटा होता है, ज्यादातर सवाल करेंट अफेयर्स से और जो इकोनॉमिक्स से सवाल होते हैं वो कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन में अगर आ गया तो किसको फायदा ज्यादा होगा, लेनदार देनदार, इस टाइप के सवाल थोड़े से रहते हैं, जीडीपी जीएनपी या फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट में क्या अंतर है, इस तरह के कुछ सवाल आ सकते हैं,
अगर वहां दिक्कत है तो उसको छोड़ के करंट अफेयर्स को क्लियर कर लीजिए। कोई बात नहीं, छोड़ दो, इग्नोर करिए उसको, ऐसे नहीं करते, ठीक है, करने दो। अब आप लोग अच्छे से बात कीजिए बीच बीच में आकर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बीच में थोड़ा सा एंगेज हो गया था कुछ कारणों से, इसी कारण आप लोगों से लगातार इस नहीं हुआ, इसलिए घोर मट्ठा हो रहा है, ये अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, घोर मट्ठा होना ये अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, समझ में आ रहा है। एक मिनट रुक जाइए, मुझे एक मिनट जाओ, घोर मट्ठा होना अच्छी बात है, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप सक्सेस के नजदीक में हैं, क्योंकि जिसका नहीं होगा या तो वो लापरवाह होगा या प्रॉपर तैयारी नहीं है, तो घोर मट्ठा होने दीजिए, खूब होने दीजिए, और उसको उसको एकदम उसको आप ये मान लीजिए कि एग्जामिनेशन का पार्ट है, तैयारी का पार्ट है, उसके साथ चलना है घोर मट्ठे के साथ, और वहां पे भी घोर मट्ठा करके निकल जाना है अच्छे से, ठीक है। चलिए, कटअप के आसपास ही रहता है नंबर अंजलि, लुसेंट से घटना चक्र दोनों, लुसेंट एंड घटना चक्र दोनों को पढ़ने से हो, रिवीजन करो, तू लुसेंट या घटना चक्र दोनों को कीजिए, अभी टाइम है, 15 दिन टाइम है, लुसेंट घटना चक्र और करंट अफेयर्स को साथ में लेके चलिए। साइंस को कैसे करें, साइंस अगर आपका तैयार, एक मिनट रुको, साइंस वाले रुक जाइए, जो आपके साथ रुक जाइए, साइंस वाले का अगर साइंस तैयार नहीं है तो सिर्फ बायोलॉजी को कर लीजिए थोड़ा सा, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल पे अच्छा पकड़ बना लीजिए इस 15 दिन में, तुक्का भी मार देंगे साइंस में ना, तो कट ऑफ क्रॉस कर जाइएगा, समझ में आ रहा है। जो सब्जेक्ट एकदम इरिटेट कर रहा है या एकदम ही समझ में नहीं आ रहा, उसको स्किप कीजिए, और जिसपे कमांड है उसको मजबूत करके चलिए, कट ऑफ को क्रॉस कर जाएंगे 100%। अजय थैंक यू सर, करंट प्लीज बताएं, करंट अफेयर्स तो मैं आपको कल करवा दूंगा पूरा। सर पढ़ते हुए डर लग रहा है, भूल गए, ऐसा क्यों फील हो रहा है, ये नेचुरल है, इसको नेचुरल लीजिए, एकदम नेचुरल है ये, एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान ऐसे होता है, 99% लोगों के साथ होता है, इसलिए वो उसके साथ चलिए, वो इसका स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। BSSC के लिए क्या करें, BSSC के लिए हमसे मत पूछो, क्योंकि BSSC के लिए बहुत, मुझे क्या क्या उसके अंदर आ रहा है मुझे कुछ खास नहीं है पता, BPSC के लिए पूछो, मैं बताता हूँ, UPSC के लिए पूछे, कौन लुसेंट और घटना चक्र काफी, हाँ बिल्कुल घटना अभी फिलहाल के लिए काफी है, फिलहाल के लिए काफी है, करंट अफेयर्स लगाइए। चलिए सर कितना करूँ डेली, क्या करना है, क्या कितना करना है कामनी सिंह बताओ, करंट अफेयर्स 10 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स कर लो, क्योंकि जुलाई का जो ट्रेंड है वो पिछले साल का, उसके पहले का नहीं है, उसके पहले को हम लेके चलेंगे, कहीं पलट गया तो क्या होगा। शाहिल सांदल थैंक यू, एकदम आप लोग कूल रहिए ना, एग्जाम निकलेगा नहीं कैसे निकलेगा। BSSC के लिए क्या करें, अभी ये मैसेज आई मत करो, क्योंकि BSSC के लिए क्या करें मुझे खुद ही नहीं पता था, मैं क्या बताऊंगा आपको, 8 घंटा स्टडी करने के बाद भी लगता है कुछ नहीं पढ़े, 8 घंटा पढ़ रहे हो तो बहुत है, 8 घंटा पढ़ लिए, 8 घंटा थोड़ा थोड़ी होता है, 8 घंटा कम नहीं होता है, ठीक है, अभी भी 8 घंटा ही पढ़िए काफी, अच्छा बढ़िया नींद लो और बढ़िया खाना खाओ, खिचड़ी खाओ तो दबा के खाओ, समझ में आ रहा है, ये नहीं कि ड्राई फ्रूट ही खाना है, काजू किशमिश ही खाना है, लेकिन हेल्दी खाना जरूर खाइएगा, ताकि स्ट्रेस को कंट्रोल करते रहे, ठीक है। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस ज्यादा मत कीजिए, प्रैक्टिस जो है ना, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करना है तो एक सेट मैक्सिमम 2 सेट से ज्यादा नहीं करना। सुनिए, जब आप, आज कितना तारीख है, 11 है ना, 15 के बाद नहीं, जरूरी नहीं है UPSC निकल गया तो BPSC निकल जाएगा, सुनिए 15 तारीख के बाद प्रैक्टिस सेट हार्डली 1 या 2 करिए, उसके बाद नहीं कीजिए, 80+ आ रहा है, ज्योग्राफी कुछ भी नहीं की हूं, करंट अफेयर्स वायरस में, ठीक है रुक जाओ, तो 15 के बाद वैसे सुनिए, एक और चीज अच्छे से ध्यान, अच्छे से सुन लीजिए पहले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, उसको 7 से 8 घंटे की नींद काफी है, सुनो 15 तारीख के बाद ज्यादा प्रैक्टिस सेट पे आप ज्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं करना, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करना सेट को लेकर, क्योंकि कोई अगर एक भी हार्ड सेट मिल गया ना, जो हो सकता है वहां से सवाल BPSC में ना आए, हार्ड सेट एक भी मिल गया तो आपके सारे कॉन्फिडेंस को डाउन कर देगा, समझ में आ रहा है, इसीलिए 15 के बाद सेट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, प्रैक्टिस कर लेना, जो वही प्रैक्टिस सेट आप रखिएगा उसके आंसर को टिक कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, समझ में आ रहा है,
आंसर को टिक करके पढ़ लेना, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को गिरा सकता है नीचे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो एक चीज है। और ज्योग्राफी आसान है, ज्योग्राफी अगर 80 आ रहा है, ज्योग्राफी नहीं पढ़े हो आप कामनी का क्वेश्चन, तो आप उसको लुसेंट से कर लीजिए, अभी काम चल जाएगा आपका। स्पीडी को कर सकता हूँ, हाँ स्पीडी को कर लीजिए, अभी तो बहुत टाइम है, हाँ अभी कर लो, अब नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ये टाइम प्रैक्टिस से, क्योंकि प्रैक्टिस से एक भी खतरनाक हो सकता है आपके लिए, अगर वो मुश्किल मिल गया तो कॉन्फिडेंस गिरा देगा, इसलिए बचिए। स्ट्रैटेजी बहुत, ये लगा अगर 16 घंटा 17 घंटा पढ़ाई करके एग्जामिनेशन निकालना होता तो कोई भी निकाल लेता, स्ट्रैटेजी मायने रखता है, कई बार 4 घंटे पढ़ के एग्जाम निकल जाता है। एनसीईआरटी का सार संग्रह किया, हाँ सार संग्रह किया तो ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें, फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। एडुटेरिया का बेस्ट है कि नहीं, एक्चुअली हमने एडुटेरिया का नहीं देखा है, लेकिन वो टीचर अच्छे हैं एडुटेरिया के, प्रवीण सर, तो मटेरियल भी उनका अच्छा होगा, बट मैंने नहीं देखा है, ठीक है, तो आप देख लीजिए, वो जो बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में, एडुटेरिया का अच्छा है तो उसी का आप ले लीजिए, और किसी और का है तो उसका ले लीजिए, बट मैंने देखा नहीं है किसी का भी। करंट अफेयर 2019 को छोड़ दो, 2020 का कीजिए जनवरी से, और कल से सबसे सेक्टर वाइज जो है ना, सेक्शन वाइज मैं करंट अफेयर करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। स्पीडी का वार्षिकांग और इंद्रेश आरसी नहीं देखा है मैंने, ठीक है नहीं देखा है, आप देख लीजिए। हाँ स्पीडी का जो वार्षिकांग है उस पे नहीं होगा सर, ये ध्यान रखिएगा, स्पीडी के वार्षिकांग से बीपीएससी नहीं निकलेगा, बाकी वो इंदिरा जिनका भी आप नाम दे रहे हैं उनका मैंने नहीं देखा है। हाँ घटना चक्र पढ़ना जरूरी है, लुसेंट को छोड़ भी दो एक मिनट के लिए, घटना चक्र को मत छोड़िएगा, अच्छी किताब है, बहुत मदद करेगा। एग्जाम हॉल में डर को कैसे, एग्जामिनेशन हॉल में, हाँ रुक सुनिए, ये भी एक अच्छी बात है, आप जब अभी तैयारी कीजिए, इस 15 दिन जो आपको मिला है ना, तो 15 दिन सिर्फ आपको एग्जाम का तैयारी नहीं करना है, ठीक है सुनिए ठीक से, 15 दिन आपको सिर्फ एग्जाम का तैयारी नहीं करना है, इस ये जो इतना मेहनत आप लोग कर रहे हो, 2 घंटे जो परफॉर्मेंस दीजिएगा हॉल में, उसकी भी तैयारी आपको अभी करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन पेपर मिले, हो सकता है उसका, सुनिए एक मिनट पहले, हो सकता है उसका स्टार्टिंग का 10 से 15 क्वेश्चन आपसे ना बने, हो सकता है शुरू में मैथ ही आ जाए, हो सकता है साइंस जिनका नहीं उनको साइंस से ही सामना पड़ जाए, कॉन्फिडेंस चला जाएगा 15-20 क्वेश्चन के बाद, लेकिन घबराना नहीं है, इसीलिए कि जो क्वेश्चन टफ है वो आपके लिए भी होगा, दूसरे के लिए होगा, एक तो ये पहली बात, और दूसरी बात कि सुनो अच्छे से सुनो, दूसरी बात ये बिल्कुल मान के चलना कि अंदर में इतने क्वेश्चन जरूर है जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, अभी हम बात नहीं करेंगे उस पर, एक वीडियो आपको मैं दूंगा कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्वेश्चन पेपर को कैसे हैंडल करें, क्योंकि एक पर्टिकुलर उसमें आराम से रुक के मैं बता दूंगा, क्योंकि तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन आंसर में वो सही तरीके से इन्फॉर्मेशन जा नहीं पाएगा, ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा वहां पैनिक नहीं होना है, 10 सवाल 15 सवाल तक नहीं बने ना तब भी नहीं घबराना, ये विश्वास रखिए कि अंदर में सवाल पड़े हैं जो आपसे बनेंगे, ठीक। परीक्षा मंथन कैसा है, ठीक है परीक्षा मंथन तो ठीक है उसकी मैंने, ठीक है कुछ इसका भी आ गया है क्या, दृष्टि किसका आता है, एक मंथन दृष्टि का मंथन कोई करके आता है ना किताब, वो आगे है, बगल में एक सेलिब्रेशन चल रहा है उसी का आवाज आ रहा है। हाँ परीक्षा मंथन की किताब अच्छी आती है करंट अफेयर्स की, वो आप ले सकते हैं, परीक्षा मंथन ले लीजिए, और करंट अफेयर्स का कल मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दे रहा हूँ ऐप पे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वो भी कोशिश उसमें यही होगी कि वही करंट अफेयर्स को ऐड किया जाए जो एग्जामिनेशन के अंदर आए, पार्ट बाई पार्ट 8-10 पार्ट में मैं अवेलेबल करवा। सब डरे रहते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है डर सबको लगता है, लेकिन डर कि अगर डर के टूट गए तब गड़बड़ है, डर के साथ तो चलना ही है, किसको डर नहीं लगता है और किस काम में डर नहीं लगता है, सबको लगता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, कोई इस डर के कारण जीत जाता है, और डर नहीं लगेगा तो तैयारी कैसे करोगे, घबराहट नहीं होगी तो तैयारी कहां से होगी, सो बताइए, घबराहट होगी बेचैनी होगी परेशानी होगी तभी तो तैयारी करेंगे। नहीं पानी नहीं पीने की जरूरत है, लगातार बोल सकता हूं मैं, चलिए बताइए और क्या क्या पूछना है। बेस्ट प्रैक्टिस सेट बताएं, प्रैक्टिस सेट किसका, मार्केट में मैंने नहीं देखा है किताब, आप एक बार चेक कर लीजिए, और आप प्रैक्टिस सेट मत करो, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करो, अब आपके प्रैक्टिस सेट का टाइम नहीं है। हाँ अगर बाय चांस लेते हो तो टिक मार के करना, बनाना मत,
बनाने की गलती गलती से भी मत करना, टाइम नहीं है। बिहार का करंट अफेयर्स तो बहुत सारी मैगजीन्स आ गई है, मैंने भी अपलोड किया है, ऐप पे जाइए ना, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, और भी जो है वो भी कल ऐप पे आ जाएगा, वहां से कर लीजिएगा। हाँ, ये जो है ना शेखर, ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है लुसेंट सब्जेक्ट, एक मिनट, लुसेंट पढ़ना चाहिए, ठीक है, लुसेंट पढ़ना चाहिए, ठीक है जानवी। बिहार जीके के लिए कोई भी दो पतली किताब उठा लो, अभी एक भी उठा लो, एक उठाइए, एक से ज्यादा नहीं उठाइएगा। सुनिए 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 सुनिए, क्या सवाल था, किसी का सवाल था, अभी क्या था, शेखर का था, डीमोटिवेट हो जाते कभी कभी क्या करें। जो डीमोटिवेट होते हो ना, तो वो डीमोटिवेट होना लाइफ का पार्ट है, एग्जामिनेशन की तैयारी का एक पार्ट है, ठीक है, उसके साथ चलना है। सप्ताह में एक दिन आएगा, 15 दिन में एक दिन ऐसा आएगा, महीना में कुछ 2-3 दिन ऐसे आ जाएंगे जब आप एक बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे, तो वो एक पार्ट है, उसको अगर सोचेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, वो आएगा, सबके साथ आता है, ऐसा नहीं किसी। गोविंद जायसवाल आपको याद होगा, गोविंद जायसवाल आप लोगों को याद है, 21 साल का IAS जिनके पिता रिक्शा चलाते थे, उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था तो सीनियर थे हमारे, उनका सिलेक्शन हो गया था उस दौरान, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी उनका सिलेक्शन हो गया था, उनसे एक बार मुलाकात हुई थी, और वैसे भी उन्होंने इधर उधर शेयर भी किया है, बट उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी ऐसा होता था कि डिमोटिवेट हो जाते थे, मैं भी होता था तैयारी के दौरान, तो उन्होंने कहा कि ये पार्ट है, तैयारी के दौरान ऐसा होता है, तो ये जब मान लोगे ना कि ये एग्जामिनेशन का एक स्ट्रेटजी के पढ़ाई के दौरान का ये पार्ट है, तो वो भी रूटीन लगने लगेगा, डीमोटिवेट होना भी एक रूटीन लगने लगेगा, और जब वो रूटीन लगने लगेगा तो वो डीमोटिवेशन वाला फील नहीं आएगा, उसको भी समझो कि अच्छा ठीक है 10 दिन पढ़ लिए हैं तो 2 दिन ऐसा आना है, कोई बात तीसरे दिन पढ़ लेंगे, समझ में ऐसे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राजीव आईडी की किताब पढ़िए, अच्छा क्विक रिविजन करने के लिए अभी अभी की अगर 15 दिन की बात करें तो लुसेंट पढ़ो, अब क्या पढ़ोगे, लुसेंट पढ़ी 60+ कट ऑफ ओबीसी में मान कर चले ना, जब तक क्वेश्चन पेपर ही नहीं आएगा तो क्या मान के चलोगे, अभी क्वेश्चन पेपर के बाद मान के चलेंगे 1992, हाँ अच्छा रहेगा। सुधीर बढ़िया से करी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी कैसे करें, ज्योग्राफी तो आप थोड़ा सा एटलस पे काम कर लीजिए, लुसेंट का फैक्ट कर लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर, और इकोनॉमिक्स के लिए भी लुसेंट एंड प्रीवियस ईयर को कर लीजिए, हो जाएगा। साइंस में भी जिसको दिक्कत हो रही है, साइंस में जिसको भी दिक्कत हो रही है वो भी प्रीवियस ईयर को कर लीजिए, आसान हो जाएगा। 100% 100+ आ रहा है तो निश्चित रहिए कोई दिक्कत नहीं, 100+ अगर आप किसी भी सेट में ला रहे हो तो 2-4 क्वेश्चन बढ़ेगा ही घटेगा नहीं, ठीक है। साइंस को अभी लुसेंट से कर लीजिए, जो लुसेंट का जो नॉर्मल जीके है, साइंस की किताब नहीं, नॉर्मल जीके और प्रीवियस ईयर उसको सॉल्व कर लो, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए, ठीक है। और कैसे बेस्ट करूं, 150 से ऊपर नहीं जाना ना, 110 ही, 110 ठीक है, 110 लेके आ जाइए, ठीक है, उसके अंदर देखिए कि कहां से किस सेक्शन से गलतियां हो रही है, तो वहां से उसको कर लीजिए। सर साइंस के लिए प्लेटफॉर्म सीरीज हमने मार लिया, हाँ प्लेटफॉर्म का तो प्लेटफॉर्म का भी एक्चुअली मैंने नहीं देखा है, बट सुना है कि अच्छा है, तो प्लेटफॉर्म का कर लिया तो ठीक है, काफी होगा, आप आराम से कर लीजिए, कोई इशू नहीं। क्या हो गया, रिप्लाई नहीं दिया आपने, ओके को देखो मैसेज आ रहा है ना, रिप्लाई जो मैसेज सामने आया उसके जवाब मैं दे रहा हूँ, आप फिर से सवाल कीजिए। 5-year plan और कुछ GDP वाले टॉपिक ही कवर किए हैं, इकोनॉमिक में क्या क्या है ये ही ना, 5-year plan एंड GDP, कुछ करंट अफेयर्स भी कर लीजिए, और थोड़ा सा वो जो बजट से रिलेटेड कुछ टर्म्स है ना उसको एक बार देख लीजिए, इन्फ्लेशन और ये सब जो RBI से रिलेटेड, RBI का जो ओपन मार्केट पॉलिसी है, या रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR सब क्या होता है, कितना अभी चल रहा है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लीजिए इकोनॉमिक्स के अंदर, तो बेसिक जो थीम है करना कैसा है, और घटना चक्र तो हम शुरू से ही कह रहे हैं कि करना ही करना है, नहीं का ऑप्शन ही नहीं है, कैसा और सब सब्जेक्ट का करना है, यहाँ सवाल कहाँ है नहीं करने, अच्छे से समझाते हैं, चलिए थैंक यू। बिहार स्पेशल नहीं हो रहा है तैयार सर, छोड़ दो, नहीं हो रहा है आदित्य, अभी किसका नाम, अभी नहीं, छोड़ दीजिए बिल्कुल, घबराना नहीं उसे, केबीसी नैनो बिहार स्पेशल के लिए सही, हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही करिए उसे। ई ऑप्शन का क्या करें, ई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, आपके पास ई और एफ दो ऑप्शन है, करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम हो रही है, याद भी नहीं हो रहा है, सब मिल जाता है, बहुत डर लग रहा है, करंट अफेयर्स के लिए ऐसे नहीं करो, करंट अफेयर्स के लिए जो है ना प्लेसेस अलग, पर्सनैलिटी अलग, इकोनॉमिक्स के डाटा अलग,
नेशनल अलग, इंटरनेशनल अलग, ऐसे अलग कीजिए उसको, अलग करके पढ़िए, तब दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ा सा दिक्कत अगर आपको हो रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो एक पेज उठाइए, पेज में सिर्फ उसका नाम लिखिए, कोई पर्सनालिटी है उसका नाम लिखिए, उसके बारे में नहीं, सिर्फ उसका नाम लिखिए, प्लेसेस का नाम लिखिए, इस तरह से नाम लिखिए, उसको दो चार बार पढ़ लो, किताब में मत जाओ, उसी को दो चार बार पढ़ लो, देखो कैसे याद होता है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये सब तरीके हैं जो आप कीजिए, लोग करते हैं, ऐसा नहीं। कल से मैं लग रहा हूं इसमें, मैं थोड़ा सा भी बिजी था, अब मैं फ्री हूं थोड़ा, तो कल से मैं खिचड़ी बन जाए इसके लिए, करंट अफेयर्स के लिए जो सर करंट अफेयर्स के लिए मैं कल से आपके लिए कर रहा हूं काम, ठीक है, करंट अफेयर्स कल परसों, तो दो तीन दिन में करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा के मैं सब कुछ दे दूं। हाँ, बहुत दिन गैप हो गया है, एक्चुअली बहुत दिन गैप हो गया है। कोई नहीं, आप कंटिन्यू आएंगे। लुसेंट ऑब्जेक्टिव 5 ऑप्शन रहता है सर, 5 ऑप्शन एक मिनट रुकिए, 5 ऑप्शन पर लेके, जो मैंने एक वीडियो डाला भी था, देखिए 5 ऑप्शन नहीं, एक्चुअली उसमें 2 ऑप्शन छुपा हुआ है, 5 और 6, ठीक है, ई के साथ एफ भी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, और नन ऑफ द एबव और मोर देन वन है ना, यही है ना, उनमें उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, यही है ना, दोनों को अलग कर लीजिए, अलग करके एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है, एफ मान लीजिए, ई है, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, और एफ को मान लीजिए, उपरोक्त में से एक से अधिक, दो अलग ऑप्शन मान के जब ई ऑप्शन को देखोगे ना, आपकी प्रॉब्लम वहीं पे आधा सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि देखिए जब इनमें से कोई नहीं अगर नहीं दिख रहा है तब भी ई हो रहा है, और एक से अधिक दिख रहा है, रुक जाओ, एक से अधिक दिख रहा है तब भी ई ऑप्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई सवाल का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब निकल के आ रहा है, एकदम सामने से निकल के आ रहा है, एकदम सीधा सीधा जवाब, जब सीधा सीधा जवाब निकल के आ रहा है तो ई पे नहीं जाना, लेकिन अगर फंस के लग रहा है कि नहीं 2 या 3 ऑप्शन आ रहा है तब जाके ई पे जाइए, लेकिन उसको ई और एफ मान के देखिए, तब आसान हो जाएगा। और एक और बात, नहीं एग्जाम पोस्टपोन मत कर भाई, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, ये गलत बात है, किस एरिया पे देखो, करंट अफेयर्स में आपको जो एरिया फोकस करना होता है ना, देखो खास करके इंटरनेशनल करंट अफेयर्स या नेशनल की बात करें, जहां पे बिहार इन्वॉल्व होगा, एक तो वो नेशनल में बिहार जहां इन्वॉल्व है वहां, दूसरा इंटरनेशनल वाले में जहां पे इंडिया या बिहार इन्वॉल्व है, या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इस तरह के एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, इस तरह के बैंक अगर किसी पर्टिकुलर योजना परियोजना में अगर पैसे दे रही है, खास करके बिहार में या इंडिया के किसी भी स्टेट में, यानी कहीं ना कहीं इंडिया का इन्वॉल्वमेंट अगर किसी इंटरनेशनल इशू में है, वहां से सवाल बन सकता है, ठीक है, करंट अफेयर्स के अंदर। और पर्सनैलिटी की बात करें तो एकदम फेमस जो पर्सनैलिटी होता है वो, ये उठपटांग टाइप के करंट अफेयर्स इतने नहीं आते हैं, तो इसीलिए मैं करंट अफेयर्स का आप लोग का टेंशन कम करने के लिए, क्योंकि इतना दिन जो गैप हो गया है, इस गैप को पूरा तो करना होगा कहीं ना कहीं, तो इस पूरा करने के लिए इस बीच में मैं वीडियोस लेके आ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगा, और कोशिश रहेगी सब्जेक्ट में भी जितना मदद मैं कर सकूं यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू आपको मैं कर दूंगा, ठीक है, तो कल से उस पर काम करते हैं, होपफुली कि वहां से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाएगा। क्या करें, फुल टेस्ट लॉन्च कर दीजिए सम एक्सपॉन्स, पिछली बार मैंने बोला था एक्सपेंसिव है, कम करवा लो लेकिन टेस्ट सीरीज दे दो, आप पूरा टेस्ट ही ले लो अपने में, आप बताओ, पिछली लाइव में भी मैंने किया था ना, एडमिशन भी हुआ था उसमें, प्रेशर बेल्ट पढ़ा रहे हैं, पढ़ा दिए प्रेशर बेल्ट तो हो गया, पॉलिटी कहां से रिवाइज करें सर, पॉलिटी के लिए लुसेंट ही कीजिए, अब आप बहुत लुसेंट नहीं, लुसेंट के साथ प्रीवियस ईयर घटाचक प्रीवियस ईयर कर लीजिए, हो जाएगा 100% हो जाएगा पॉलिटी, कहीं कहीं गलत थोड़ी होगी, जहां पे कंफ्यूजन है उसको एक बार देख लीजिएगा, हो जाएगा। एक पॉलिटी को लेकर ब्लैक स्पॉट करके वीडियो में डाल देता हूं, जहां जहां गलतियां होती है उसको लेकर आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उससे, ठीक है, मैं उसको करवा देता हूं। राज्य लेवल पे करंट अफेयर्स पढ़े बिहार के लिए, नेशनल नहीं, दोनों पढ़ना होगा ना, जो देखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंस कहां रखता है, ठीक है, मैराथन वीडियो
नहीं, सेट सेट आपको डुबा सकता है, केवल सेट मत कीजिए, मैं बोल रहा हूँ सेट आपको करना भी है तो आंसर टिक करके करो, अब सेट बनाने का टाइम नहीं रहा, बात समझिए जो कह रहा हूँ, सेट बनाने का टाइम रहा, एक एक भारी सेट आपके मतलब आपका कॉन्फिडेंस को बिल्कुल खा सकता है, समझ लो बस ये, इसलिए इससे बचिए। जो स्ट्रैटेजी लोग अपनाते हैं और सक्सेस करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, अक्सर हाँ आपको सुनने को नहीं मिलेगा ऐसे ओपन में तो बिल्कुल ही नहीं, क्लास के लिए होता है कुछ सीक्रेट बचा रहता है, लेकिन मेरा क्लास और आपके बीच में कोई गैप नहीं होता, क्लास में भी यही बातें करता हूँ जो आपके साथ कर रहा हूँ। एडमिट कार्ड आ जाएगा लगभग 8 से 8 दिन या 10 दिन के बीच में आ जाएगा। हो गया, सारे सवाल का जवाब मिल गया। बिहार स्पेशल में बस आपके नोट्स पढ़ लूं, मेरे नोट्स पढ़ लो, मेरा नोट्स तो है ही है काफी अच्छा, लेकिन एक कोई किताब और पढ़ लो, ठीक, एक कोई पतली सी, मोटी नहीं पढ़नी है, पतली किताब, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार का ही किताब है ना, वहीं से पढ़ लीजिए ना। टॉपिक गेस कर देता हूं आपको, करंट अफेयर्स में टॉपिक गेस में कर देता हूं, कर लीजिएगा, बिहार साइंस एंड करंट अफेयर्स के लिए होता है, साइंस एंड करंट, साइंस के लिए तो आप लुसेंट को कर लीजिए, जो जनरल स्टडीज का है उसके अंदर साइंस का सेक्शन, उसको करके आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, आपका साइंस हो जाएगा। और करंट अफेयर्स तो बहुत सारी मैगजीन्स है, कोई 2 मैगजीन उठा लो ना उसको पढ़ लो, हो जाएगा। कोई और सवाल है तो बताइए, और एकदम से मैं फिर कह रहा हूँ रिलैक्स रहना है, रिलैक्स रहोगे अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, एकदम ही से नहीं घबराना है, आराम से रहिए और एग्जाम दीजिए। ठीक है, हो गया, सवाल आने बंद हो गए, सारे सवाल का जवाब मिल गया आपको। चलिए अब फिर लाइव सेशन करेंगे 1-2 दिन के बाद, क्योंकि अभी एग्जाम है तो आप लोग टेंशन में ज्यादा रहोगे, तो हम लोग बातचीत करते रहेंगे। कोई और सवाल है तो बताओ, और नहीं है तो गुड नाइट सबको। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैसेज आना भी बंद हो जाता है, ये भी होता है इसमें। आपसे बात कैसे करूं, व्हाट्सएप करो। एंशियंट हिस्ट्री में आप मुगल पढ़ लीजिए, 16 महाजन पढ़ लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लीजिए और गुप्ता पढ़ लीजिए, ठीक है सर, प्लीज बता दीजिए क्या बताना है, बताइए। चलिए गुड नाइट सबको, एक लास्ट सवाल है, अभिलाषा लक्ष्मी बताइए क्या लिखा है। मिडावल इंडिया सर, मिडावल इंडिया, मिडावल इंडिया में ना दिल्ली सल्तनत पढ़ लो और मुगल पढ़ लो, आपको यही दोनों है, यही दोनों नहीं है, बहुत कुछ है, मुगल के अंदर भी जो फेमस फेमस रूलर है वो पढ़ लीजिए, और दिल्ली सल्तनत में भी फेमस फेमस रूलर, और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जैसे पंड्याध्यक्ष किसको कहते हैं, लवनाध्यक्ष किसको कहते हैं, इस तरह के फैक्ट्स थोड़ा सा देख लीजिए। क्या दोनों को लेके चलिए, छोड़ना किसी को नहीं, छोड़ना किसी को नहीं है, दोनों को लेके चलिए, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री का कौन कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 महाजनपद मगध से रिलेटेड सवाल आते हैं, मौर्या के अंदर अशोका से रिलेटेड सवाल आएगा, गुप्ता में भी, गुप्ता को देख लीजिए, बीच का जो संगम वंगम है उसको छोड़ दीजिए, संगम का जो बिल्कुल जो फेमस 2-4 किताब है ना उसको देख लीजिए, बाकी छोड़ नहीं, जितना बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। करंट अफेयर्स के लिए कल से एक क्वेश्चन, ग्रेट आइडियाज बताइए, ग्रेट आइडियाज, आइडियाज तो आपके पास है, आप पूछ रहे हैं मुझसे, बताइए। इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक भी होता है, इकोनॉमिक्स में फिर इकोनॉमिक्स में क्या है ना, इकोनॉमिक्स में ग्रेट आइडिया क्या, होम डिस्ट्रिक्ट होगा, लड़की हो होम डिस्ट्रिक्ट होगा, लड़के हो कहां जाओगे पता नहीं, ठीक है, लड़के का लड़का का कुछ नहीं पता है। क्या बोल रहे थे इकोनॉमिक्स के लिए, मैंने फिर इकोनॉमिक्स के लिए दोबारा तिवारा चौथा बार बोल रहा हूँ कि बेसिक टर्म्स जीडीपी जीएनपी टाइप का, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, आरबीआई का काम क्या है, एसएलआर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट क्या होता है, बेस रेट क्या होता है, इस तरह की चीजें थोड़ी क्लियर कर लीजिए, और बाकी बाकी करंट अफेयर्स कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, तो इससे हो जाएगा। पॉलिटिकली लुसेंट करिए, ये नॉनसेंस टाइप का सवाल हो गया। ईएसआई के लिए, ईएसआई का कट ऑफ कितना जाए, किस पे देना है,
गंगा पार सेंटर से डेटा है, गंगा पार सेंटर देखा। गंगा ही तो पार करना है, क्या दिक्कत है इसमें। बिहार हिस्ट्री के लिए बिहार का कोई भी किताब उठा लीजिए, वहां से हिस्ट्री कर लीजिए, बिहार हो जाएगा। देखता हूँ बिहार हिस्ट्री के लिए मैं भी कुछ कर सकता हूँ, देखता हूँ कल से। चलिए गुड नाइट, अब आराम से तैयारी कीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे कल परसों तरसों, जब देखते हैं दो दिन में फिर से आपके साथ बात करेंगे। आप लोग तब तक रेडी कीजिए और कुछ हो तो बताइएगा। मैथ्स का तैयारी नहीं करना, मैथ्स में तुक्का मारना है, मैथ में बिल्कुल तुक्का मारना है। गुड नाइट।